हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर विच इज़ क्रिएटिव कॉर्नर पर। आज हम बना रहे हैं आपके साथ लौकी के कोफ्ते। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको लौकी दिखाई, उसको ग्रेट कर लिया अच्छे से, फिर इसमें मैंने मिलाया बेसन, और फिर इसमें मिलाएंगे हम मसाले। सबसे पहले लेंगे नमक, और फिर लेंगे हल्दी, और फिर लेंगे रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और थोड़े से ले लेंगे हम जीरा के दाने, क्यूमिन सीड्स, और इन सबको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम साथ साथ करेंगे इसकी ग्रेवी के लिए भी तैयारी। तो ग्रेवी के लिए यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, स्वाद अनुसार जितने भी आपको चाहिए, प्याज, और इन सबको हमने कर लिया है ग्राइंड। और साइड में हम बना रहे हैं कोफ्ते। तो यहाँ पर तेल हो गया है हमारा अच्छे से गर्म, हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, इसको ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, अदरवाइज कोफ्ते अंदर से कच्चे रहेंगे। और हम इसको ऐसे ही पकाएंगे, और जैसे ये अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल सकते हैं। अच्छा से इसका हम तेल निकाल देंगे साइड पे, और निकाल कर हम इसको एक प्लेट में डालें। और साथ साथ में अब हम करेंगे तैयारी इसकी ग्रेवी की। तो ग्रेवी में भी हमने सबसे पहले तेल ले लिया, गर्म हो गया, उसके लिए हम ले लिए खड़े मसाले, जैसे दालचीनी ले ली मैंने, और थोड़े से मैंने क्लोव लिए, वो ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने जो अजवाइन भी डाली, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत डाल लो। और साथ में मैंने लाल सूखी मिर्च वो डाल दिया, उससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जो हमने यहाँ पे सारा ग्राइंड किया था, उसके साथ हमने बना दिया इसका तड़का। और तड़का जब तेल हमारा साइड में हो जाता है, मतलब दिखता है, इसका मतलब तड़का हमारा अच्छे से भुन गया। और इसमें मैंने डाल दिया है नमक और हल्दी, क्योंकि हमने पहले भी काफ़ी मसाले डाले हैं, और इसमें हम जो जो भी आपको मसाले डालने हैं वो आप सारे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, और थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाला है, और हम इसको अच्छे से और भून लेंगे, और थोड़ा पानी डाल के फिर एक बार भूनेंगे। जितना हम मसाला भूनते हैं, तो मसाला भूनने के साथ साथ इसका टेस्ट अच्छा आता है। और जितना आपको पानी चाहिए कोफ्तों के लिए, अगर आप ज़्यादा वाटरी खाते हैं, मतलब पानी वाली, तो आप ज़्यादा पानी डाल के इसकी ग्रेवी बनाइए। अगर आपको कम पानी चाहिए तो आप कम पानी डाल दीजिए। तो जैसे ये अच्छे से बॉईल हो गया, और इसमें मैंने डाल दिए हैं कोफ्ते, मुझे थोड़ी ज़्यादा पानी वाली चाहिए थी, क्योंकि मैंने चाकू के साथ खानी है। और फिर हमने इसको अच्छे से गार्निश कर दिया हरे पत्तों के साथ, धनिया के। तो बस ये हमारी वीडियो थी, अगर अच्छी लगे लाइक कर देना।